नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको बोनस शेयर देने जा रहा है। साथ ही साथ हम इस शेयर के लॉन्ग टर्म के व्यू के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म में बोनस शेयर आपको किस प्रकार फायदा करता है, तो इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्री जो कि काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और इसका मार्केट कैप 29,000 करोड़ है। कंपनी के पास जो डेट है वो डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.71 है और टोटल जो डेट है 2,492 करोड़ का और कंपनी के पास रिजर्व है 3,416 करोड़ का। तो कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 से कम है, तो कंपनी ओवरऑल अच्छी कंपनी है। साथ ही साथ ये दो कंपनियों की पेरेंट कंपनी भी है, आरती ड्रग्स और आरती सर्फेक्टेंस। तो इस तरह से समझ सकते हैं कंपनी को वहाँ से भी इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रखा है 63 करोड़ का। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर का स्टेक है कंपनी में 46.8 करोड़ का और ये कंपनी आपको जो है बोनस शेयर देने जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि ये जो बोनस है 1:1 के रेशियो में है और इसका जो एक्स डेट है वो 22 जून है। तो मतलब 22 जून तक आप अगर इस शेयर को बाय कर लेते हैं उससे पहले तो आप इसके बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म में इसके चार्ट को भी डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म का चार्ट कितना अप ट्रेंड है, तो इस तरह के चार्ट जहाँ भी दिखे देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है, कभी भी ये 20 मूविंग एवरेज जो है उसको ब्रेक नहीं किया है या यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आप मिला देंगे प्राइस एक्शन का तो उसको कभी ब्रेक नहीं किया। इस पैंडेमिक में 2020 के पैंडेमिक यहाँ पर गिरावट में ये नीचे आया 20 मूविंग एवरेज के, लेकिन फिर से क्लोज लगभग देख सकते हैं उसके आसपास ही दिया, उसके नीचे सस्टेन नहीं किया, अगले कैंडल में ही ये ऊपर चला गया। तो ये काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, आप जब भी गिरावट में मिले आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर गिरावट में ये बाय है, जितना भी गिरावट होता है आप उसमें बाय कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है स्पेशलिटी केमिकल आने वाले समय में परफॉर्म नहीं करे क्योंकि ये देख सकते हैं पिछले कई सालों से 2013 से ही इसमें रैली चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है कुछ सालों तक अंडर परफॉर्म भी रह सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है कि सेक्टर जो होता है एक साइकिल में चलता है, कई सारे सेक्टर अभी जैसे परफॉर्म हो सकता है आने वाले समय में वो फिर से अंडर परफॉर्म करे या कंसोलिडेट करे, तो सारी बातों को ध्यान रखना है। और बोनस शेयर तभी फायदा करता है जब आप इस तरह के ग्रोथ वाले शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। हमेशा इस तरह के ग्रोथ वाले शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको बेनिफिट करेगा। अगर लगता है यहाँ से ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा तो आप बोनस शेयर के लिए बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप बोनस शेयर के लिए बाय ना करें क्योंकि तो यहाँ से जब गिरावट होता है तब आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब तब स्टॉक को बाय करना है, अभी बोनस शेयर देख करके जंप नहीं करना है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं बोनस शेयर देखते हैं और उसमें बाय करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आता है हमारे चैनल पर कि सर बोनस शेयर दे रहा है क्या इसको बाय कर लें, कभी भी बोनस शेयर के लिए बाय ना करें। जब कंपनी में ग्रोथ दिखता है आपको, उस शेयर में ग्रोथ दिखता है तब आप उसको बाय कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।